हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने गणतंत्र दिवस के बाद एक और त्योहार का वीडियो लेकर, जिस त्योहार का नाम है होली। तो बच्चों जैसा कि आप जानते ही हो कि होली की गणना भारत के सबसे उल्लासमय और मस्ती के त्योहार के रूप में की जाती है और इस त्योहार की मस्ती का इंतजार हर आयु वर्ग के लोगों को रहता है। तो मैं होली विषय का प्रारंभ करना चाहूंगी एक गुलशन मदान जी की कविता से। रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली, लाल गुलाबी पीले देखो, रंग सभी रंगीले देखो, पिचकारी भर भर ले आते, एक दूजे पर सभी चलाते, होली पर अब ऐसा हाल, हर चेहरे पर आज गुलाल, आओ यारो इसी बहाने दुश्मन को भी चले मनाने। तो बच्चों ये है हमारी प्यारी सी कविता होली पर। तो आइए अब शुरू करते हैं होली के विषय में। मैं आपको आगे बताती हूँ कि जो हमारा भारतवर्ष है, आप जानते हैं कि भारत पर्वों और त्योहारों का देश है। यहाँ समय समय पर त्योहार मनाने के जैसे बहाने ढूंढ लिए जाते हैं। यहाँ कभी धर्म के आधार पर त्योहार मनाए जाते हैं और कभी हम राष्ट्र के, कभी मौसम के आधार पर, कभी फसलों के आधार पर, जैसा कि अभी अभी सब गया है। आप जानते हो मैं बैसाखी की बात कर रही हूँ, मैं वसंत पंचमी की बात कर रही हूँ, मैं लोहड़ी की बात कर रही हूँ, ओणम की बात कर रही हूँ। तो ये सब त्योहार हमारे भारतवर्ष में मनाए ही जाते हैं और इन त्योहारों में जो हमारे बहुत ही प्रमुख त्योहार है और आप जानते हैं आपके प्रिय त्योहारों में से भी आते हैं, वो दीपावली, दशहरा, होली, ये सब प्रमुख है। तो इनमें रंगों का त्योहार जो होली है वो तो जैसे हर छोटे बड़े को मस्ती एवं उल्लास से सराबोर कर देता है। तो जो इस दिन यानी होली के दिन लोग क्या क्या करते हैं, रंग, अबीर, गुलाल और मस्ती के रंग में इस प्रकार से डूब जाते हैं कि उन्हें अपना होशो हवास ही नहीं रह जाता है। मस्ती का यह रंग और कुछ नव युवकों पर और विशेष तौर पर आप जैसे किशोर बालकों पर तो कुछ ज्यादा ही चढ़ता है। तो जैसे कि आप जानते हो हर कोई क्या कहता है उस दिन, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, और इस तरीके की टोपियां लगाते हैं, इस तरीके के कपड़े पहनते हैं और ये सब कहकर कि बुरा न मानो होली है कहकर रंग से हम एक दूसरे को सराबोर कर देते हैं। होली के रंग से भीगा हुआ व्यक्ति भी बुरा न मानकर होली की मस्ती का पूरा आनंद उठाता है। तो होली के संबंध में मैं एक बात ये भी बताना चाहूंगी कि एक पौराणिक कथा, क्योंकि होली दो दिन मनाते हैं आप, एक को आप कहते हैं छोटी होली और एक होती है बड़ी होली। तो जो छोटी होली जिसे हम कहते हैं उसके विषय में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। असुर राज एक थे हिरण्यकश्यप और उनका पुत्र भक्त प्रहलाद ईश्वर का बड़ा पक्का भक्त। और हिरण्यकश्यप कैसा था, हिरण्यकश्यप बड़ा क्रूर था, उसको भगवान में आस्था नहीं थी। तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को, वो विष्णु भगवान का बहुत भक्त था, अपने पुत्र को भक्ति से विमुख करने के लिए, भक्ति से हटाने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाए और प्रहलाद के मन से लेकिन हुआ क्या कि भक्ति भाव बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। अंत में क्या किया, उसको बहुत गुस्सा आया था, क्रोध था उस पर, तो उसने अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाकर, यानी होलिका को पहले उसने आदेश दिया कि तुम प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में बैठ जाना। और उसके बाद होलिका को एक ऐसा वरदान था कि यदि वो अग्नि में भी बैठेगी तो उसका बाल भी बाका नहीं होगा। तो हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र को मारने के लिए अग्रसर हो गया। फिर क्या हुआ, अग्नि से न जलने के वरदान के कारण होलिका इस बात के लिए तैयार भी हो गई, लेकिन जब वह होलिका अब प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठी और होलिका जलाई गई, यानी होली जैसे आप देखते हो हम आग जलाते हैं, ऐसे ही उसने बहुत बड़ी चिता सी तैयार की और उसको में आग लगा दी। लेकिन प्रभु की कृपा से प्रहलाद का तो बाल भी बाका न हुआ और होलिका उसमें जलकर राख हो गई। तो इस प्रकार से होलिका दहन के रूप में ये त्योहार हम इस वर्ष प्रतिवर्ष मनाने लगे। तो होली के त्योहार का जो उल्लास है, अगर आप देखें तो जिस प्रकार से दीपावली है उसी प्रकार से होली के त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस वजह से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। होली जो है बच्चों, एक चीज और है कि वसंत ऋतु का होली त्योहार है।
इस समय एक सर्दी जो होती है बीत चुकी होती है, जो आप देख रहे हो कि सर्दी जा रही है और ग्रीष्म ऋतु क्या है दस्तक देती हुई सी प्रतीत हो रही है। तो सर्दी और गर्मी के संधि काल में मौसम बहुत सुहावना हुआ रहता है, आजकल आप देख ही रहे हैं। इस समय जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अपनी चरम सीमा पर होता है। चारों ओर छाई हुई हरियाली है, खिले हुए फूल हैं और वातावरण को बड़ा मोहक बना देते हैं। ऐसे मादक वातावरण में होली की मस्ती तो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। फागुन की जो होली है, हम क्या करते हैं, फागुन मास की पूर्णिमा की रात में होलिका दहन किया जाता है। गांव के बाहर या हम अपने शहरों में, आप देखते हैं आजकल हमारी सोसाइटीज हो गई है, तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, पहले गांव के बाहर किसी सार्वजनिक स्थान पर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की जाती थी, एकत्रित की जाती थी। आजकल शहरों में यही परंपरा, हम चौराहों पर लकड़ियां इत्यादि एकत्रित कर ली जाती है, उपले एकत्रित किए जाते हैं। जो सोसाइटीज है, जो फ्लैट्स है, वो भी अपने सोसाइटी के पार्क में इस प्रकार का उत्सव के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, उपले इकट्ठे एकत्रित करते हैं। लोग वहां पहुंचते हैं और उसमें कई बार बच्चे जो होते हैं, एक वो छोटे छोटे होले बोलते हैं उसको, उसमें भी उसमें जलाकर उसके सेक कर उसे भी खाया जाता है। तो लोग वहां पहुंचते हैं, इस ढेर को आग लगाई जाती है, लोग फाग गाते हैं और बहुत सुंदर फागुन के गीत, आप जानते होंगे कि होली के राजस्थानी गीत, हरियाणवी गीत, हमारे जो भी लोक संगीत, होली पर बहुत तरह तरह से उत्सव मनाया जाता है। और अगले ही दिन क्या होता है कि सवेरे ही बच्चों और नवयुवकों की टोली रंग गुलाल लेकर निकल पड़ती है और एक दूसरे को रंग से भिगोते हुए, अबीर लगाते हुए होली की शुभकामनाएं देते हैं। बच्चे, युवा, बड़े, बूढ़े सब अपना, जो बड़े बूढ़े के अतिरिक्त जो आपके मित्र हैं। और सबसे अच्छी बात होली के विषय में क्या लगती है कि लोग धर्म भूल के, जाति भूल के, सब परस्पर लड़ाई भूल के जो आनंद उठाते हैं, और वो जो है होली की सबसे अधिक खूबसूरती होली को प्रदान करता है। एक प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी है, उन्होंने बड़ा सुंदर सा कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वो है नीमू, मतलब ये बच्चों के नाम ले लेके बता रहे हैं कि किसने कैसे कैसे बच्चे इस होली के रंग में सराबोर है। नीमू का मुंह पुता लाल से, सोमू की पीली गुलाल से, कुर्ता भीगा राम रतन का, रम्मी के है लाल गुलाल, मुट्ठी में है लाल गुलाल। तो लल्लू पीला रंग ले आया, कल्लू ने हरा रंग उड़ाया, रंग लगाया एक दूजे को, लड़े भिड़े थे पर की साल, मुट्ठी में है लाल गुलाल। ये लड़े भिड़े थे पर की साल, मुट्ठी में है लाल गुलाल। तो कह रहे जो बच्चे हैं जो पिछले साल लड़े हुए थे, वे भी होली में मानकर एक दूसरे से, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं और ये नहीं दिख रहा कि कौन क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब लोग इसका होली के रंग में, होली की मादकता में सराबोर हो रहे हैं। और होली का त्योहार में जो ये सभी है अपने बड़े लोगों को अबीर लगाकर उनसे आशीर्वाद लेने की परंपरा भी है। आप देखते होंगे हम बुजुर्गों को क्या करते हैं, उनके पैरों में गुलाल लगाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये भी हमारी परंपरा को, ऐसी जो हमारे क्रियाकलाप है वो हमारी परंपरा को और अधिक मजबूती बनाते हैं, हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करते हैं। गुजिया जो है वो इस त्योहार का विशेष रूप से खाया जाने वाला पकवान है, जो होली की मिठास को और अधिक बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब जो होली पे आप देखते हैं कि लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, बहुत सारे तरह तरह के पकवान बनते हैं, लोग एक समूह में होली मनाते हैं और इस प्रकार से जो होली की मस्ती है उसका आनंद सभी उठाते हैं। वैसे तो देखो बच्चों, होली रंगों का त्योहार है, मस्ती का त्योहार है, लेकिन इसके साथ एक जो है बुरी बात भी जो जुड़ी हुई है, हमें उसकी तरफ भी ध्यान दिलाना जरूरी है। वो क्या है कि कुछ लोग इस दिन शराब पीते हैं और होली की आड़ में कीचड़, पेंट, एक दूसरे पर गंदे तरीके के पेंट फेंक कर इस त्योहार की शुचिता पर कलंक लगाते हैं, इस त्योहार की पवित्रता को भंग करने की कोशिश करते हैं। या कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे गुब्बारों में पानी भरकर या रंग भरकर
अपनी छत से ऊपर से राहगीरों के ऊपर फेंकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत जोर से लगने से किसी की आंख में समस्या हो सकती है या किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। तो हमें इस प्रकार की कुरीतियों से बिल्कुल दूर रहना है। ये मेरा विशेष संदेश आपकी किशोरावस्था के बच्चों को है कि आप लोग कभी भी दूर से पानी के गुब्बारे भरकर नहीं फेंके, और उस फेंकने से किसी भी व्यक्ति को चोट लग सकती है। अनजान लोगों से भी होली खेलने से हमें विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाले की या जो भी अमुक व्यक्ति है उसकी क्या परिस्थिति है। कोई उसको स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो, किसी और प्रकार की समस्या ना हो, तो हमें कभी भी इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो आपने फूलों से होली खेलनी है, फूलों के रंग लीजिए, फूलों को पानी में डुबोइए, और उसमें से जैसे गुलाब की पत्तियां जब वो लाल रंग हो जाता है, चुकंदर का पानी बनाइए और उस चुकंदर के पानी से लाल रंग से होली खेलिए, पीले रंग के फूलों से होली खेलिए, इस प्रकार से, तो जिससे ये त्योहार हर किसी को जो है खुशी के रंगों से सराबोर कर सके। तो बच्चों अंत में मैं एक जो छोटी सी जो है एक कविता, यह है कि अलग अलग धर्मों के रंग में कि किस प्रकार से अलग अलग धर्मों के लोग जब होली मनाने बैठे तो क्या निकल के आया वो देखिए। अलग अलग धर्मों के फ्लैग्स ने होली मनाई, सबने जी भरकर एक दूसरे को खूब रंगा, बाद में सबने देखा तो पता चला कि उनमें से हर एक बन चुका था तिरंगा, उनमें से हर एक बन चुका था तिरंगा, उनमें से हर एक बन चुका था तिरंगा। तो बच्चों ये थी हमारे होली के बारे में आपको जानकारी, आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भी अपने बड़ों से आशीर्वाद लें होली के दिन, और हमारे जो अगला सेम है उसकी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को, आपके अभिभावकों को। इसके साथ ही मैं होली का ये जो प्रस्ताव है इसको यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।